आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप घर पर ही फेस वॉश बना सकते हैं। आज आपको मिल जाएगा बाय सिक्स एंड गेट फ्लैट 50% ऑफ एल्ब्स गुडनेस के सभी प्रोडक्ट्स पर। इसे फेस पैक और फेस वॉश दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। कितना अच्छा होना कि हम अपने फेस की हर प्रॉब्लम के हिसाब से अपने लिए फेस वॉश बना लें। मतलब मार्केट से बार बार खरीदने का झंझट नहीं होना चाहिए कि यार पिंपल हो रहे हैं तो पिंपल के लिए अलग फेस वॉश खरीदा है, और स्किन ड्राई हो गई है, ऑयली हो गई है, तो उनके लिए अलग अलग। इतने सारे पैसे तो हम वेस्ट नहीं कर सकते। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप अपने लिए खुद फेस वॉश घर पे बना सकते हैं। एक्चुअली अगर आपने मेरा पिछला पर्पल हॉल देखा होगा ना, तो मैंने कुछ पाउडर्स मंगवाए थे अपने लिए। ये है वो पाउडर एल्प्स गुडनेस के। आज मैं स्पेशली इसका वीडियो शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज पर्पल पे चल रहा है डिस्काउंट बाय सिक्स एंड गेट 50% ऑफ। मतलब जैसे मैंने तो ये चार मंगवाए ना, आप अगर छः मंगवाते हैं तो आपको सिर्फ तीन की पेमेंट करनी पड़ेगी। कितना अच्छा होना कि तीन फ्री मिल जाएं। मैंने कौन कौन से मंगवाए हैं मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो मैंने मंगवाया था वो था नीम पाउडर। ये मैं बनाने वाली हूँ इससे, जब आपको पिंपल्स की या ऑयली स्किन की प्रॉब्लम होती है ना, तब आप अपने लिए कैसे फेस वॉश बना सकते हैं। एक्चुअली गर्मियाँ इतनी सड़ी हो रही है ना, दिल्ली में इतनी सड़ी गर्मी हो रही है कि बार बार पसीने आते रहते हैं फेस पे, और उसकी वजह से बहुत सारे पिंपल्स हो जाते हैं। इसके अलावा मैंने मंगवाया था एक रोज पेटल पाउडर, चंदन पाउडर। इसे मैंने यूज़ किया है, और इसे यूज़ करने के बाद, क्योंकि मैं ये जो भी पैक लगाती हूँ ना, ये सोने से पहले लगाती हूँ, चंदन पाउडर का पैक यूज़ करने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है। ये आपको बहुत शांत कर देता है, और इतनी ठंडक है ना इसमें कि इससे आपका फेस बहुत ही शांत हो जाते हो आप। तो ये चंदन पाउडर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा मैंने मंगवाया था मुल्तानी मिट्टी। तो इन चारों को यूज़ करके मैं आज आपके लिए फेस पैक और फेस वॉश बनाने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको बताऊँगी कैसे बनाना है और यूज़ करके भी दिखाऊँगी। बात करती हूँ नीम पाउडर की। ये होता है एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, प्यूरीफाई करता है आपकी स्किन को, नरिश करता है और स्मूथन करता है। इसके अलावा ये आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपको पता नहीं है ना, नीम पाउडर से कई बच्चों के ना सर पे जुएं हो जाती हैं, तो उनके अगर आप ऑयल में नीम पाउडर ऐड करके लगाते हो ना, तो वो सारी जुएं खत्म हो जाएंगी। तो नीम पाउडर जो होता है ना, ये आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, आप पढ़ सकते हैं। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये 50 ग्राम की है सिर्फ 60 रुपए की। अब बात करती हूँ मैं रोज पेटल पाउडर की। ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है इसमें। मतलब कई लोग होता है ना कि भाई बुढ़ापा दिख रहा है चेहरे पे, तो ये उस बुढ़ापे को थोड़ा सा पोस्टपोन कर देता है। तो इसमें होती है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, तो आपको एक बार इसे यूज जरूर करना चाहिए। इसके अलावा जो मैंने बनाया है वो है चंदन पाउडर का। चंदन पाउडर की क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ तो यह 50 ग्राम, और MRP की अगर मैं बात करूँ तो 85 है। आज आप कोई से भी छह, जैसे मेरे पास चार है ना, आप कोई से भी 6 परचेज करते हो ना पाउडर्स, तो आपको मिलेगा फ्लैट 50% ऑफ। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। चंदन पाउडर की अगर मैं खासियत बताऊँ ना आपको, एक तो मुझे इससे ना बहुत ही स्ट्रेस रिलीफ हुआ। मतलब क्या होता है ना, जब आप कोई अच्छा सा फेस पैक लगाते हो ना, कुछ शांति मिलती है आपको, ठंडक मिलती है तो शांति मिलती है। तो ये मुझे बहुत सही लगा चंदन फेस पैक। ये कामिंग है, एनर्जाइजिंग है, 100% नेचुरल है, 100% ऑर्गेनिक है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसके अलावा मैंने क्या डाला है। इसके अलावा मैंने यूज किए हैं 2 एसेंशियल ऑयल। पहला एसेंशियल ऑयल है लेमन वाला। लेमन वाले की खासियत ये होती है कि ये आपकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है इसमें, तो ये आपकी एजिंग प्रोसेस को थोड़ा सा डिले कर देता है, मतलब बुढ़ापा थोड़ा लेट आएगा। मैंने डाला है टी ट्री एसेंशियल ऑयल, क्योंकि टी ट्री एसेंशियल ऑयल हमारे एक्ने प्रॉब्लम पे काम करता है। अगर आप कोई नाइट क्रीम यूज करते हैं ना, तो उसके इंग्रेडिएंट जरूर चेक कीजिएगा, उसमें हमेशा आपको टी ट्री एसेंशियल ऑयल मिल जाएगा, क्योंकि ये हमारी एक्ने पे काम करता है और हमारी स्किन को बहुत अच्छा बना देता है। बेसिकली मैंने इन्हें बनाया कैसे है, आपने क्या करना है, इन पाउडर्स में 2-2 ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल को ऐड करना है, और इसकी आइस क्यूब्स बनानी है। आइस क्यूब्स के लिए आप नॉर्मल वाटर भी यूज कर सकते हैं, मैंने यूज किया है रोज वाटर। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कैसे मैंने ये बनाया है और कैसे मैंने इन्हें यूज किया है। चलिए अब मैं आपको अपनी किचन में ले चलती हूँ। गैस पे बन रही है चाय, इतने में मैं अपना काम कर लूँगी। सिलिकॉन मोल्ड्स मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास सिलिकॉन मोल्ड्स नहीं है तो आप अपनी आइस ट्रे का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप बर्फ़ जमाने के लिए रखते हैं। मैं इसमें डालूंगी एसेंशियल ऑयल। छोटी छोटी सी क्यूब्स हैं, तो 1-2 ड्रॉप्स हम एसेंशियल ऑयल की डालेंगे। इसमें हम यूज़ करेंगे पाउडर्स। अगर आप कोई 2 पाउडर्स को मिक्स करके यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। पाउडर्स को ऐड करने के बाद मैं इसमें डालूंगी रोज वाटर, और फिर इसे फ्रिज में जमने के लिए रख दूंगी। तो अब ये जम चुका है, अब मैं इसे अपने फेस पे लगा लूंगी। कई बारी हम बहुत जल्दी में होते हैं तो हम इसे एज अ फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं,
क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से आपके फेस को क्लीन कर देता है। तो ये आप फेस वॉश की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो इसे 2 से 4 मिनट सूखने दीजिए अच्छे से, मैक्सिमम 5 मिनट में ये सूख जाएगा। तो आप इसे एज अ पैक यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हर फेस वॉश ऐसा नहीं होता है जो बहुत ज़्यादा झाग दे, फेस वॉश वही होता है जो आपकी स्किन को क्लीन कर दे। तो ये बहुत अच्छे से आपकी फेस को क्लीन कर देता है, एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप चाहें तो इसे अपनी बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं एज अ बॉडी वॉश, बॉडी को भी ये बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। तो अब मैंने इसे पूरे फेस पे लगा लिया है, मैं इसे आज यूज़ करने वाली हूँ फेस पैक की तरह। तो मैं इसे सूखने दूंगी और जब ये सूख जाएगा तो मैं हल्की मसाज करके इसे रिमूव कर लूँगी और ये मेरे फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल रहा तो आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।